आखिरकार सबनम 2015 के बाद अपने बच्चे को लेकर बहुत ही दुखी रहती है। हाँ दोस्तों, 2015 के बाद सबनम को पता चल चुका है कि जिंदगी किसे कहते हैं। और जब जब सबनम का बेटा उससे मिलने के लिए आता है, तब तब सबनम अपने बच्चे को गले लगाकर और रोती है और बार बार माथे को भी चूमती है। अब कई लोग बोलेंगे कि बंदा तू भी वहीं पर गया था क्या, तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, यह खबर मीडिया वालों की तरफ से। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ जब ताज यानी सबनम का बेटा जब मिलकर आता है अपनी मां से, जब वह बाहर आता है, तब उस बेटे ने खुद वहां पर जो मिलाप हुआ उसके बारे में बताया है कि सबनम यानी उसकी मां क्या कहती है उससे। दोस्तों उसका बेटा सच में बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर रहा है, इसीलिए उसके जो भी शब्द निकलते हैं मुंह से वह एकदम नॉर्मल निकलते हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि सच में यह बच्चा अपनी माँ के पास 7 साल तक रहकर आया है। सबनम और सलीम को यह पता चल चुका है कि हमने जो जुर्म किया है वह दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है। और उन दोनों को पता चल चुका है कि जो यह जिंदगी है उसे किस प्रकार से संभाल कर रखते हैं लोग, और किस प्रकार से अपने बच्चों को कितने सपने जोड़कर, कितनी उम्मीदें जोड़कर पाल पोस कर बड़ा करते हैं, और फिर उनके साथ अचानक सबनम जैसी लड़की कुछ ऐसा कर दे तो कितने सपने टूट जाते हैं, कितनी उम्मीदें टूट जाती हैं। तो दोस्तों आप सोच ही सकते हैं, इस प्रकार से सबनम और सलीम को पता चल चुका है कि जिंदगी किसे कहते हैं। और जिस प्रकार से अचानक से सबनम के द्वारा उस्मान सैफी से यह बोला गया कि यह सब कुछ किसी और ने किया है या मैंने नहीं किया, इसकी जांच होना चाहिए, तो इस प्रकार से सबनम ने पहले कबूल किया था और लगभग 13 साल बाद ऐसी 2-3 लाइनें बोली सबनम ने उस्मान सैफी से बोली। तो दोस्तों इससे यही पता चलता है कि किस प्रकार से सबनम और सलीम डरे हुए हैं और सबनम अब खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। और दोस्तों अब उसे पता चल चुका है कि जिंदगी किसे कहते हैं, उसे जिंदगी से प्यार हो गया है। जो न्यायालय जो सजा सुनाता है, और दोस्तों वह इसलिए सुनाते हैं ताकि आगे भविष्य में कोई भी ऐसा कार्य ना करें। लेकिन दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सबनम की भावनाओं में बह रहे हैं, लेकिन 2008 की जब बात किसी को याद आ जाती है तो कोई भी भावनाओं में नहीं बहते। यह अदालतें और अदालतों के अंदर जो कानून बनाए गए हैं दोस्तों, वह कानून इसीलिए बनाए गए हैं ताकि आगे भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से जुर्म ना करे। लेकिन दोस्तों हमारे भारत का जो कानून है वह इतना स्लो मोशन में चलता है कि किसी व्यक्ति को बेगुनाह होते हुए भी उसे बेकसूर साबित होने में 20 साल गुजर जाती हैं। हाँ दोस्तों, एक बेगुनाह व्यक्ति अभी छूटकर आया था जो कि 20 साल बाद उसे बेगुनाह घोषित कर दिया। तो आप सोच ही सकते हैं कितना स्लो मोशन में अपने भारत देश का कानून है कि किसी व्यक्ति की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है खुद को सही साबित करने में। तो दोस्तों इस प्रकार से इतने स्लो मोशन में अपने भारत देश का कानून चलता है। तो आप लोगों को बता दूं सबनम के केस में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। 13 साल निकल गई सबनम और सलीम के केस में, और दोस्तों आप जान ही सकते हैं अभी तक 2021 चल रही है, अभी तक कोई फैसला नहीं आया। दोस्तों यह कैसी खबर लगी आप लोगों को मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दाब देना। थैंक यू।